हेलो एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू टीच क्लास 5 ज्योग्राफी चैप्टर आवर अर्थ। ठीक है, तो इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुल कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। आई थिंक आप लोग घर पे लर्न कर रहे होंगे, ठीक है, रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप लोग इसको फोकस जरूर करिएगा। तो आपको पता है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और मैंने उस 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम भी आप लोगों को कल अच्छी तरह से समझा दिया था, उसके बारे में बता दिया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कल मैं आपको ओशंस के बारे में डिस्कस करूँगी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओशंस के बारे में बता रही हूँ। तो कुल कितने ओशंस होते हैं? 5 होते हैं। तो उसको समझने से पहले ओशंस का मीनिंग समझते हैं। ओशंस कहते किसको हैं, ध्यान दीजिए। द 7 कॉन्टिनेंट्स, यू आर रिमेंबर। सो द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज एक्सपेंस ऑफ वाटर कॉल्ड ओशन। मीन्स अ 7 कॉन्टिनेंट, मतलब जो सातों महाद्वीप हैं संसार में के, सातों महाद्वीप हैं, आर सेपरेटेड, अलग हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, बाय लार्ज एक्सपेंस ऑफ वाटर, पानी की बहुत बड़ी धारा से अलग है, उसको क्या करके बुलाया जाता है? ओशंस बुलाया जाता है। ठीक है, अब हम अलग अलग ओशंस के बारे में समझते हैं। तो आप लोग को बता दें कि 5 ओशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है पैसिफिक ओशंस। ठीक है, ये लार्जेस्ट ओशंस, सबसे लार्जेस्ट ओशंस माना जाता है, यानी सबसे बड़ा ओशन माना जाता है। चूँकि ये सबसे बड़ा है तो इसकी गहराई भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसकी गहराई 10,000, ध्यान दीजिएगा, 10,911 किलोमीटर है। ठीक है, मीटर ने 11 किलोमीटर, यानी कि 10,911 किलोमीटर की गहराई है। ठीक है, यहाँ पे मरियाना ट्रेंच, ठीक है, मरियाना एक ट्रेंच यानी गर्त होता है, गहरा खड्डा जिसको कहते हैं, ये पाया जाता है। और इसका जो आकार है, यानी पैसिफिक ओशन का जो आकार है, कैसा है? सर्कल टाइप का है, शेप उसका सर्कल गोला टाइप का है। ठीक है, इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं कि ये जो है अमेरिका को जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया से क्या करता है? अलग भी करता है। नेक्स्ट, अटलांटिक जो ओशन है, इसका आकार जो है एस आकार का है। ठीक है, अल्फाबेट एस आकार का। इसका कैसा आकार था? सर्कुलर था। और इसका आकार कैसा है? एस आकार का है। और इसकी जो गहराई है 3,330 मीटर। ठीक है, इसकी जो डेप्थ पावर है वो बस इतनी ही है। यहाँ पे कुछ रिच पाए जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, जो अटलांटिक में रिच पाए जाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा आइसलैंड है, और उस आइसलैंड के जो पीक्स हैं, छोटे छोटे पर्वत भी तो आइसलैंड पाए जाते हैं, उसके पीक्स जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि आइसलैंड में छोटे छोटे पर्वत बहुत है, उसके पीक्स भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन। ठीक, इंडियन ओशियन की अगर हम बात करें तो ये जो है पूरे ओशियन का, पूरा जो इसका सतह है 1/7 सरफेस लिया हुआ, यानी उसकी जो सतह है वो कितनी है? 1/7 पार्ट है। ठीक है, आगे इसकी जो गहराई है, गहराई डेप्थ की बात करें तो 3,890 मीटर है। ठीक है, ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है? कनेक्ट करता है। और सबसे बड़ी चीज़, यहीं पर साउथर्न पार्ट में इसके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है। जब आप इंडिया का मैप उठा के देखेंगे, इंडिया के मैप में आप जब नोटिस करेंगे तो इस साइड आपको क्या दिखेगा? बे ऑफ बंगाल। इस साइड का क्या दिखेगा? अरेबियन सी, यानी इसके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिका। अब देखिए, अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका जो है इसकी साउथ हेमिस्फीयर, मतलब कि दक्षिण भूमध्य सागर की ओर माना जाता है। ठीक है, इसी दक्षिण के साइड में आकर यूरेशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग भी करता है। नेक्स्ट, आर्कटिक का जो डेप्थ पावर है, यानी उसकी जो गहराई है, वो 1,988 मीटर्स मानी जाती है, उसकी जो है बस इतना ही माना जाता है। और ये मेन स्थित कहाँ है? नॉर्थ पोल इसका मेन पार्ट माना जाता है। और इसका जो पूरा कवर है अगर देखा जाए तो ये पूरा बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, और इसके चारों ओर अगर हम बात करें तो
कंप्लीट होता है और आगे की वीडियोस में हम आपको उसके क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक बुक परचेस नहीं किया है तो बुक परचेस कर लीजिए, कॉपी परचेस कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जो आपको क्वेश्चन लिखवाने आंसर लिखवाने जाऊंगी मैं दोबारा आप लोगों को नहीं लिखवाऊंगी। तो कल की वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन विद आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।